ग्राम धनेरिया के अंतर्गत आने वाली 6 अवैध कॉलोनी वासियों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है और चुनाव को बहिष्कार करने संबंधी बोर्ड लगाए हैं। दरअसल यह पूरा मामला 6 अवैध कॉलोनी को वैध करने का है, जिस पर वर्षों से रहवासी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनेता की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नीमच जिले में चुनाव की राह अब इतनी आसान नहीं रह गई है। अवैध कॉलोनी वासियों ने आश्वासन से तंग आकर अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं बल्कि सड़कों पर आकर चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। कॉलोनी के बाहर ही नहीं बल्कि अपने घरों के बाहर भी अवैध कॉलोनी वासियों ने चुनाव का बहिष्कार करने संबंधी बोर्ड लगाए। महिलाओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मांग की। 25 वर्षों से हमारी ये कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, 6 कॉलोनियाँ बसी हुई है, रिटायर्ड कॉलोनी, नामोतार कॉलोनी, जैसवाल कॉलोनी, गुमास्ता और गायत्री नगर और एक अमर कॉलोनी। तो ये कॉलोनियों को बसे हुए हमने रजिस्ट्रिया करवाई, उसकी पूरी फीस दी। उसके बावजूद तब से आज तक हम वैध के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी या जनप्रतिनिधि हर दफ़ा हमसे वोट लेने तो आ जाते, लेकिन हमें वैध करने का प्रमाण पत्र कभी नहीं दिया। हम मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, यहाँ पर कीचड़ भरा रहता है, यहाँ ना तो नाली है, ना सड़क है, ना बिजली के खंभे हैं और ना पेयजल की यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। लोग बाग 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लेकर के आते हैं। इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए अभी गत जनवरी फरवरी के अंदर 7 कॉलोनियों ने मिलकर के धरना आंदोलन किया था, आर पार की लड़ाई लड़ी थी। 18-20 दिन तक हमारा धरना चला, भूख हड़ताल चली, पूरा शहर हिल गया, जिला हिल गया, यहाँ तक कि भोपाल तक हमने हमारी आवाज़ को बुलंद किया, आवाज़ पहुँचाई। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि राजनीतिक लोगों की कोई जात नहीं होती है, कोई वक्त नहीं होती है, उसी प्रकार से राजनीतिक लोग और जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर आए और हमको आश्वासन दिया कि 1 महीना के भीतर हम यहाँ पर रोड, नाली, पानी सारी व्यवस्था कर देंगे, यहाँ से SDM के माध्यम से आपकी कॉलोनी को वैध कर देंगे। लेकिन 1 माह क्या 8 महीना बीत गए, ना तो हमें किसी ने पानी की सुविधा दी, ना नालियाँ बनाई, ना रोड बनाया। सिर्फ दिखावे के लिए, हमारा धरना उठाने के लिए उन्होंने 50 फीट की एक नाली का निर्माण कराए, उसके बाद बोले कि अब जननिधि आएगी या वो निधि आएगी या भोपाल में प्रस्ताव गया। चलो निर्माण कार्य का तो भोपाल प्रस्ताव गया, लेकिन 8 माह बीतने के बाद SDM जो यहाँ के स्वयं SDM यहाँ कोई कॉलोनियों को वैध कर सकते थे, अभी तक 8 माह बीतने के बाद उन्होंने वैध क्यों नहीं किया? हमारा आक्रोश है पूरा, हम खामोश बैठे रहे, हमारी खामोशी को उन्होंने नाजायज समझा, हमारा फ़ायदा उठाया, इसलिए इस बार कोई नोटा का बटन नहीं दबाएंगे। यहाँ हम पूर्ण रूप से इन सभी कॉलोनी वासियों ने मिलकर के एक शपथ ली है और शपथ ये ली है कि हमारी कॉलोनी में ना तो किसी हम जनप्रतिनिधि को घुसने देंगे और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी को घुसने देंगे। जो हमसे आकर के मतदान की अपील करे, उनकी किसी प्रकार की कोई अपील को हम नहीं मान्य करते। ठुकरा मतलब है कि धनेरिया पंचायत के अंतर्गत आने वाली 6 कॉलोनी, राम अवतार कॉलोनी, रिटायर्ड कॉलोनी, गायत्री कॉलोनी, गुमास्ता कॉलोनी, जयसवाल कॉलोनी और गोपी कॉलोनी के सभी कॉलोनी वासी लंबे समय से इन कॉलोनी को वैध करने की मांग कर रहे थे। नगरपालिका और जिला पंचायत के द्वारा समस्या के समाधान के बजाय केवल आश्वासन ही मिल रहा है। कुछ समय पहले ही इन कॉलोनी के रहवासियों ने भूख हड़ताल भी की थी, जिस पर जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत CEO, नगरपालिका CMO मौके पर जाकर कॉलोनी का निरीक्षण कर कॉलोनी को वैध करने का आश्वासन दिया और हड़ताल को समाप्त करवाया था। हम वोट नहीं देंगे, हम वोट इसलिए नहीं देंगे कि हम वैध नहीं हैं। हमको 8 महीने हो गए, हमने 8 महीने पहले वहाँ पर बैठ कर धरना प्रदर्शन किया था, हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई वहाँ पर और हमारे को विश्वासघात करा गया। हमारे को 1 महीने का विश्वास दे के 8 महीने निकाले, हम नरक भोग रहे हैं, हम अपने हाथ से अपना नरक भेंगते हैं। आप लोग बिल्कुल हमारी कोई सुनते नहीं है, नेता लोग कोई हमारी सुनते नहीं है, हमें बेवकूफ़ बना रखा है बिल्कुल। इधर धक्का दे, उधर धक्का दे, हम धक्का ही खा रहे हैं, धर्म धक्के में घूम रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है हमारे कॉलोनी को वैध किया जाए, और वैध नहीं होगी तो हम वोट नहीं देंगे। आप चुनाव का बहिष्कार करना चाहते हैं? हम चुनाव का बहिष्कार